नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जब डेमोक्रेसी का मतलब महज वोट लेना और वोट देने तक ही सीमित हो जाता है और अगर सरकार अपने ही लोगों से मिलना बंद कर देते हैं तो कुछ वैसा ही होता है जैसा कि आज के डेट में हमें कर्नाटका में देखने को मिल रहा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक बिल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अनुसार 24 घंटा में कर्नाटका के आईटी एम्प्लॉइज को 14 घंटे काम करने पड़ेंगे। ये सिर्फ 14 घंटे वर्किंग आवर रहेंगे, इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सुन के अपने आप में काफी लगता है और अगर किसी भी तरीके से ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो आप सोचिए कि एक इंसान के ऊपर कितना बर्डन हो जाएगा। अक्सर हम ब्रिटिशर्स को ये बोलते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, स्लेवरी किया, या जो भारत के प्रॉपर्टीज थे, रिसोर्सेज थे, उसको अपने देश में लेके चले गए। एक बात का ध्यान रखिए कि ब्रिटिशर्स भारत में आए ही इसीलिए थे क्योंकि उनको भारत के जो रिसोर्सेज थे उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने देश को ले जाना था। अगर किसी भी तरीके से ये जो बिल के बारे में बात किया जा रहा, अगर ये सच में एक एक्ट बन जाता है तो ये क्या स्लेवरी से कम होगा? और ये बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका या इनफैक्ट कोई भी सरकार कितना ज्यादा डिसकनेक्टेड है अपने जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनसे। पॉसिबली भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जो टैक्सेशन सिस्टम भारत में है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू जो इनकम है। और जहां तक बात किया जाए कर्नाटका के बारे में तो इसे आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक स्टेट जो ऑलरेडी अच्छे से परफॉर्म कर रहा तो सरकार को ये देखा नहीं जा रहा, और ठीक इसके विपरीत वो कुछ ऐसे ऐसे नियम को लेके आ रहे हैं जिससे कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनको वो मजबूर कर रहे हैं कि आप कर्नाटका से बाहर जाएं। अगर किसी भी तरीके से बिहार को नुकसान पहुंचता है तो भारत को नुकसान पहुंचेगा, अगर किसी भी तरीके से तमिलनाडु को नुकसान पहुंचता है तो वो भारत को नुकसान पहुंचेगा। ये बात एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या कह ले कि एक जो स्टूडेंट तबका है उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनको शायद इतनी बेसिक सी बात समझ में नहीं आती है। नॉर्मली भारत में जो सर्विस सेंटर है या आईटी कंपनीज हैं उनके पास 8 घंटे का लॉग इन आवर्स होता है और 1 घंटे का ब्रेक होता है। तो कहने का मतलब है कि 8 घंटे के हिसाब से वो 3 शिफ्ट को रन करते, यानी कि 24 घंटे। और अगर किसी भी तरीके से ये 14 घंटे का वर्किंग आवर आ जाता है तो एक शिफ्ट के जो लोग हैं वो कंप्लीट तरीके से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन सभी बातों का वो ध्यान रखते हैं। और साथ में जैसा कि भारत के बारे में बताया जाता है कि ऑलमोस्ट हम हर चीज पे टैक्स पे करते हैं, और हम सिर्फ टैक्स ही नहीं पे करते बल्कि हम एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स में ही पे करते हैं। तो आप समझिए एज ए मिडिल क्लास फैमिली की कितना मुश्किल है आपके लिए आज के डेट में एक फैमिली को रन करना। और जहां तक बात किया जाए सरकारी इंस्टीट्यूशंस का, चाहे वो हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गया, तो वहां पे क्या फैसिलिटीज है या कितने फैसिलिटीज हैं इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स या रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जहां पे बहुत ही रैशनल तरीके से ये समझाया गया है कि वर्किंग आवर जितना ही लंबा रहता है उतना ही कम प्रोडक्टिविटी होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ये पता है कि आपको ऑफिस महज 6 या 7 घंटे के लिए जाना है तो आपके बॉडी में एनर्जी काफी रहेगा, लेकिन अगर वहीं कोई आपको कहे कि आपको ऑफिस में 14 घंटे स्पेंड करना है तो जितना ज्यादा देर तक आप काम करते रहेंगे डेफिनेटली आपका जो बॉडी का कैपेसिटी है वो घटता रहेगा। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको बहुत एक जीनियस होने की आवश्यकता भी नहीं है, और इस चीज को कोई भी इंसान अपने पे भी इंप्लीमेंट करके देख सकता है कि वो जितना ज्यादा काम करेगा दिन भर में उसका बॉडी उतना ही एग्जॉस्ट होगा, और जितना ज्यादा आपका बॉडी एग्जॉस्ट होगा उतना ही आपको अधिक वक्त चाहिए होगा अपने आप को दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए। और जहां तक बात किया जाए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सीतारमैया जी के बारे में, तो उनके सरकार के द्वारा अब तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है इस बिल के बारे में, लेकिन फिर भी सोचिए कि अगर ये बिल के बारे में पब्लिक को मालूम पड़ रहा या इनफैक्ट पब्लिक डोमेन में आ रहा तो कहीं ना कहीं इस टाइप के बिल के ऊपर काम भी किया जा रहा। और साथ में अगर बताया जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स पब्लिश किए गए हैं या रिसर्च किए गए हैं जहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से लॉन्ग वर्किंग आवर आपके बॉडी को इम्पैक्ट करता है, और इसका जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एरिया होता है वो आपका हार्ट डिजीज होता है। तो अगर सिंपली अगर हमारे लीडर्स अखबार ही पढ़ना शुरू कर दे अच्छे से तो जो एक कॉमन बेयर मिनिमम जो चीज होता है वो समझ में आ जाता है या आ जाना चाहिए। भारत में जो रिजर्वेशन लाने के पीछे का उपदेश था वो ये था कि भारत में तकरीबन सभी सोसाइटी सभी कम्युनिटी के वैसे लोगों को टारगेट किया जाए जो किसी भी तरीके से वंचित
वंचित है, डिप्राइव्ड है, तो उनको कुछ रिजर्वेशन देके उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से रिजर्वेशन को डायरेक्टली पॉलिटिक्स से या वोट बैंक से कनेक्ट कर दिया गया है, और इस रिजर्वेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो उस रिजर्व कैटेगरी के भी वैसे लोग हैं जो बहुत सालों से रिजर्वेशन को लेते हुए आए हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसे लोग जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो किसी भी तरीके से ग्रुप ए या ग्रुप बी के सर्विस में आ चुके हैं, तो उनका ऑलमोस्ट एक अपलिफ्टमेंट हो गया है। तो अब जो अपलिफ्टमेंट करना है वो वैसे लोगों का करना है जिनके पास एक बेयर मिनिमम चीज भी नहीं है अपने जिंदगी को जीने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हर जगह रिजर्वेशन को डाल रहे हैं, जहां इसी वीक ये प्रपोजल लाया गया था कि जो नॉन मैनेजमेंट रोल होते हैं प्राइवेट फर्म्स में, वहां पे जो कर्नाटका के लोकल लोग हैं उनको 70% रिजर्वेशन दिया जाए, और जो मैनेजमेंट लेवल के प्रोफाइल्स होते हैं वहां पे 50% का रिजर्वेशन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिजर्वेशन के नाम पे पॉलिटिक्स किया जाता है या लॉन्ग वर्किंग आवर के नाम पे पॉलिटिक्स किया जाता है, इसका जो खामियाजा है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली ही फेस करते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।